साल देश के 434 शहरों के बीच हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर शहर प्रसिद्ध साबित हुआ। एक बार फिर आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन एक स्थान हासिल करने के लिए नगर निगम जबलपुर ने शहर स्वच्छ बनाने के लिए आज से 15 दिनों का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया, जिसकी शुरुआत महापौर स्वाति गोडबोले ने ऐतिहासिक मदन महल किले की साफ सफाई करके किया। लेकिन महापौर की यह साफ सफाई महज रस्म अदायगी बन के रह गई, क्योंकि जिस किले की गंदगी महापौर अपने अधिकारियों और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ उठाने गई थी, उसकी साफ सफाई के लिए महापौर के पहुंचने से पहले ही निगम के एक दर्जन से भी ज्यादा कर्मचारियों को लगाकर करा ली गई थी। इसका खुलासा मौके पर ही मौजूद निगम के उन सफाई कर्मियों ने किया जो किले के आसपास की गंदगी साफ करने के लिए सुबह 5 बजे से काम पर लगे थे। लोग 5:30 बजे किले पे आ गए थे और स्वच्छ भारत के माध्यम से साफ सफाई के बारे में पूरा पन्नी अभीन के और जो भी कचरा है झाड़ू वगैरह सब कुछ साफ करके रखे। कितने बजे से आप लोग झाड़ू 5:30 बजे से सर। हम लोग कम से कम 10-15 लोग लगे थे इधर। उस समय सीढ़ी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कचरा भी रहा। अच्छा ये बताओ जब अधिकारी आए थे जी उस टाइम क्या स्थिति थी, झाड़ू आप लोग लगा चुके थे? जी लगा चुके थे। जब स्वच्छता की रस्म अदायगी और सफाई कर्मियों से पहले ही किले के आसपास साफ सफाई कराए जाने की बात पर सवाल किया गया तो महापौर ने सफाई कर्मियों को भेजकर पहले ही किले को साफ कराने की बात से साफ इनकार करते हुए मीडिया की सोच पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम सभी ने बच्चों के साथ मिलकर किले से कचरा उठाया है। देखा होगा कि हम सभी लोगों ने यहाँ का कचरा उठाया है और ये कचरा अगर मैंने एक अकेली ने उठाया है तो ऐसे इतने सारे बच्चे आए हैं उन लोगों की भी थैलियाँ भरी हुई है तो क्या वो झूठ है मैम? लेकिन 75% थैलियाँ तो खाली है जो हमने देखा। नहीं ये देखो बिल्कुल नहीं, देखिए इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, ये देखो ना ये तो पॉलीथिन के अंदर ही तो पॉलीथिन रहेगी ना, ये पॉलीथिन नहीं है, ये कागज के कवर, ये नहीं होता है। ये देखिए ना ये महापौर जी, अच्छा दूसरा ये बताइए कि अगर हम कचरा इकट्ठा करने आए हैं तो कचरा इकट्ठा किया है, अगर आप उसको अच्छा नहीं मानते हैं तो वो आपके सोच है। तो एक दो मिनट समिति को लेकर भी लगातार आरोप, ये अभी यहाँ पर बोल रहे हैं उसको भी सफाई का काम दिया गया था, तो ऐसे में कैसे यहाँ पर बन पाए? वो सदन का विषय है, वो सदन में बोले। पिछले साल देश के 434 शहरों के बीच हुई स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर शहर सिसड्डी क्यों साबित हुआ था, इसकी बानगी आज मदन महल किले से शुरू हुए 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े से साफ हो गई है।